दोस्तों आप लोग को तो पता होगा कि मॉडल पेपर आपके एग्जाम में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। तो आज हम इसी जो है समान जागरूकता जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम इलाहाबाद इंट्रेंस एग्जाम जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम तीनों सेमेस्टर के समस्त स्टूडेंट को मैं जो है आज समान जागरूकता का मॉडल पेपर दिखाने जा रहा हूँ। आपको थर्ड मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा। इसी थर्ड मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों जो आप देने जा रहे हैं दोस्तों यहां से आपको 20-30% हेल्प मिलेगी दोस्तों, यानी बोलूं तो 30% आपको यहां से मदद मिलेगी मात्र तीन मॉडल पेपर से, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 75 क्वेश्चन। चलिए हम फर्स्ट मॉडल पेपर को जो है सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। और सॉल्व किया गया है फर्स्ट मॉडल पेपर को जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स तक एक मॉडल पेपर जो है वहां भूमिका निभाएगी। 10 मार्क्स नहीं मिलता है तो 8 मार्क्स श्योर है दोस्तों। और आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा वीडियो की लास्ट में, जैसे और मार्क्स जो है पूरे पूर्णांक पाने हैं इस सब्जेक्ट में तो कैसे प्रैक्टिस करें जिससे अपने एंट्रेंस एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स पा सकें। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो है हम जो कीमती समय दे रहे हैं, अगर आप भी मेरे प्रति कुछ जागरूक रहेंगे तो आपको जो है स्टडी करने में आपको लाइफ में सक्सेस होने में जो है प्रॉब्लम नहीं बनेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? दोस्तों सौर मंडल के अरुण यूरेनस, जिसे अरुण को यूरेनस भी बोला जाता है, इसे लेटा ग्रह कहा जाता है सौर मंडल का। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है दोस्तों। आपका फर्स्ट ऑप्शन टू का सही हो जाएगा दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? दोस्तों ज्वालामुखी को कहा जाता है, सिंपली सभी लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में स्वर्ण खनन के सबसे बड़े केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चार का। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं सिंपली दोस्तों, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? दोस्तों जब वायुमंडल का जो है अनुपस्थिति हो जाती है, आकाश कुछ टाइम जो है काला हो जाता है, शाम के टाइम आप देखिएगा बादल कैसा होगा, आप खुद प्रेडिकल करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, जो 11 ट्वेल्थ की बुक में आप स्टडी कर चुके हैं दोस्तों। काफी स्टूडेंट के मन में काफी सारे अभी वहम बन रहे हैं कि मॉडल पेपर क्या होता है। मॉडल पेपर वही होता है दोस्तों जो आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, वहां यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे दोस्तों, जिससे अगर मॉडल पेपर अच्छे से आप स्टडी किए हैं उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर और जो है प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगा, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन की हेल्प मिल जाएगी दोस्तों और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स भी पा जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में किया गया है? देखो दोस्तों जो हिंदू का ग्रंथ होता है ऋग्वेद में जो है इसका हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ का जो है व्याख्या किया गया है या नाम दिया गया है महाद्वीप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सभी जानते हैं दोस्तों, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों नाइन, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? दोस्तों तैमूर के वंश में आक्रमण जब हो रहा था उस समय जो है तुगलक वंश का शासन था। किसका था? तुगलक वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाबर का पुत्र नहीं था? देखो दोस्तों हुमायूं अस्करी और कामरान जो इसके पुत्र थे, जो है परवेज इसके जो है पुत्र नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सिंपली दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी गवर्नर जनरल हड़प की नीति द्वारा भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। या उक्ति किस प्रमुख भारतीय नेता की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो है इसको जो है बोले थे जो है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत से बड़ा कोई लिखित संविधान नहीं है दोस्तों, इसलिए भारत आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रथम अनुसूची आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किस भारतीय नेता के नेतृत्व रियासती मंत्रालय बनाया गया? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है भारतीय नेता के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अधिकतम कितने महीने की हो सकती है? दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि 6 महीने तक कोई भी राष्ट्रपति के पद का रिक्त अधिकतम हो सकता है, ओनली 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर दोस्तों, भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का दोस्तों भारत से अपना अलग संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों सभी लोग जानते हैं आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों, आप लोग खाए भी हैं शायद, जो नहीं खाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सभी लोग खाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर दोस्तों, पेड़ पौधों का रंग हरा किस लिए होता है? दोस्तों आप लोग ने पेड़ पौधे तो डेली देखते होंगे दोस्तों, लेकिन उसका हरा रंग क्यों होता है इसका कारण नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आज जान लीजिए, क्लोरोफिल जो होता है उसके कारण जो है पेड़ का रंग जो है हरा दिखता है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका दोस्तों, बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? दोस्तों टंगस्टन से आपका जो है बिजली के धातु का जो है बना होता है, बिजली का तंतु जो है टंगस्टन से बना होता है दोस्तों, ये सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, सारे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। आपका मॉडल पेपर एक के बाद जो है थर्ड मॉडल पेपर जो है समान जागरूकता का प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, यहाँ से काफी नीड मिलेगी 30% और जो है सारी जानकारी दी जाएगी, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह थर्मामीटर की दीवार में चिपकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका दोस्तों, भारत के सर्वाधिक श्रम शक्ति किस क्षेत्र में लगी हुई है? कृषि में जो है भारत में सर्वाधिक श्रम शक्ति लगी हुई है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों विश्व में क्रिकेट में सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर ने बनाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका मॉडल पेपर 1 समाप्त होता है दोस्तों, आपका सेकंड मॉडल पेपर जल्द ही अपलोड किया जाएगा दोस्तों, आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समान हिंदी समान जागरूकता और SLBSC के गणित इतिहास भूगोल सभी BA BSC BCOM वाणिज्य के सभी सेमेस्टर के जो है सभी सब्जेक्टों का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट में प्रोवाइड है दोस्तों, वहां से जाकर स्टडी करिए और अपने एंट्रेंस एग्जाम को करेक्ट करिए और अपने लाइफ को अच्छे स्थान पे ले जाइए दोस्तों। अगर आपको कुछ मेरी तरफ से हेल्प मिल रही है दोस्तों तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, जिससे मेरी भी कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों, लव यू गाइस। आप लोग 100% अगर हमारी बातों को फॉलो करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।